ऐसी टिकट देनी भाई, ये बार बार बर्ग बर्ग तो फ्रेंड्स तप्त पाणी आम दर्शन सारी देकी आम बाहर एवं टुअर्स जीरांग सकाल पहली किरण सहित आम पेट खोजुला गर्मा गरम जलखिया टेस्ट हम गाउली जो इडली था टाण टाण से इडली डाची सांबर लगे ता संगे जो चटनी आ सांबर कॉम्बिनेशन ता तरकारी ता संगे हमर भजा मटर सकाळ भोर उपरू तप्त पानी रु जीरांग जीवा बाटरे गोटे रास्ता कडरे गोटे मस्त जलखिया दोकानटा देखाई गला बस गाड़ी अटकी गला आ जेतिकी सांग थिलु से दोकान जहाँ भी थिला सबु खाई गलु इडली सांबर आ चटनी सकाळ सकाळ मजा आसी गला गया गर्मा गरम जहाँ बाहर ताहा खाऊ पेट मन दिल पूरा खुश पेट पूजा तो सरीगला एबे बाहर आम जीरांग आड़ भाई समस्त सरु आ संकीर्ण रास्ता दे आम जितेबले जीरांग आड़ को अग्रसर कलु रास्त देखा मिले छोट छोट घर एवं चाष हो क्षेत से प्रचुर परिमाण में मका चाष हो बहुत ही शांत परेश फाइनाली आम जीरांगर एक शांत परेश जगार पहुँची गलु जोटा कि सहर ठारू सिटी क्राउड ठू बहुत दूर रहा एक फ्रेश एनवायरनमेंट थिला जोटा कि पूरा शांत परेश भीतर को जीवापाई एंट्री फी 5 टंका थिला आपण जेतेबेले भी ठीक आसुचंती गाड़ी रखापी कौन असुविधा हेबो नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण एठी पार्क कर पारे और टोटल एरिया देखंतु आपण केते शांतिपूर्ण जगह चलंतु भीतर को जीवा पूरा शांति जगह आम मंत्र पढ़ की जीवा मंत्र जापानीज कौन तो व्यू सेटा देखो पद्म संभव भवन तो ये टोटल एरिया मंत्रपाठ कर टोटल एरिया मंत्रपाठ कर पूरा शांतिपूर्ण जगह आपन भी आसतु देखिए एथेरे लांगुएज रु तो आम किसी पढ़ी पार नु कि बुझी पार नु तथापि बुलेबा बोली जानिथिलु आमे बस बुले चाललु आउ एंजॉय करि चाललु आपण जेतेबेले भी ए जाको को ट्रिप करुछंती त फैमिली मेंबर्स को नेई कि आसंतु काहेकि ना एठी जेतकी भी सब अच्छी स्ट्रक्चर सब अच्छी फटो फटो उठाया पई बहुत बढ़िया जगह जेतकी भी सुंदर सुंदर जगह सब अच्छी टेक योर टाइम घंटाटे हो अध घंटा हो जहाँ भी हो आराम से फटो फटो उठेबे नेकि जिबे बहुत ही बढ़िया जगह बहुत बड़ बड़ एरिया रे बहुत सारा स्ट्रक्चर ये अच्छी आ देखला भाया जगह सब अच्छी यही भवन को लगी गोटे अच्छी पार्क अच्छी छोट पार्क अच्छे से पार्क पाखे गोटे बड़ पंड अच्छी तो सेठिक आम जा खराब एते खराब बुलवा नौकर बुलाई भी किसी कर तो जीवा देखिए आप टोटाल भिडटे लास्ट जाए देखते आम टोटाल आप देख स्ट्रक्चर अच्छी कौ कौ मंदिर शक्ति मंत्र पाठ पढ़ती हाँ बोटिंग भी एपटे अच्छी बोटिंग तो लगुच से पटे जन मंक जा झूला पल भाई हलुची बढ़िया सफा कर जेतिकी भी व्यू देखी चंती एपटे तांकर गोटे स्ट्रक्चर अच्छी देखे आठी आप देखते तले के सुंदर टाइप रेकोसी जगह को आप आसतु देखिए बहुत सुंदर बहुत शांति भी लगे टोटाल एरिया पूरा फुल यही शांतिपूर्ण जगह अच्छे गोटे जोटा कि बोटिंग फोटिंग सब कर जुआड़ भी देखिए पूरा शांति थे आसतु टाइम नहीं आसते सब जगह जमी आप बुल देखिपर बहुत बढ़िया जगह बहुत सुंदर जगह बोटिंग हूँ सही भाई बोट कर
सिंगल ये 50 टका नहीं आ सेटा जो अछि गोलटा सेट जणो 100 का मैं कौन करियो ता भीतर खाली बोलिबो भाई मत ओडे दियो भाई एमिती कर रे तू एमिती काई करूछु बोटिंग भी मजा करी परिवे देखी पार आमे एबे रेडी हे गेलु सांग मने भी गलेनी ए आसरे आबे तोरी आसरे गलेनी को ए भाई से माने जान तू आमे त जिबा समुद्र पारी हवा कोन अरे समुद्र पारी हवा आमे नंदन कानन रे भी बोटिंग करी करी कटक रे बोटिंग करी करी पिला गेला आमे एठी बोलिबो ए मो हाळो दिया रे बस पानी भितर थिबा एही मूर्ति पाखु आसिया पई बहुत ही प्यारा आउ सुंदर भाई बोटिंग करिया तो पळी आसिलु गोटेटी प्रॉब्लम हैला मोर लिगामेंट प्रॉब्लम मु बस्सी खालटा रे लेंगडा आइगी ये महाशय ये टिके हीरो पेटी देखत बोली कि सिए कहला मु मारिबिनी आउ ये ये जो पिला बसिला हमरो ये मारी जंती टिके किंतु बसी गले आ ये तो मारी चली जंती हेले कातो मारु जदी गाडी जाउली केते बाटो भाई सांग सहित आसिबो मजा त एंति हे करिवो ना कोन भाई आइया भाई एबे टंगा बसिलु एबे टंगा कर सारी कोडी जिवा अगर मेन जगह को जो छी मेन मंदिर जिवा तापर खसडा जिवा भाई खसडा जिवा खसडा सीन ता आपन खाली देखिबे आसंतु आ एठी मजा नै तो जोबला हेई छी हे जीवो जिवा निश्चित भाबे आसंतु एठी सेटा कोन पखु जाय सीधा सीधा कथा नै नै एठी रेस्ट नै जिवा खराब छी भाई खडा हेई गला खरा जरे बोटिंग करिया का प्लान करे सुंदर देखु भाई अध घंटा बुलाया टिकेट कर घंटा भितर बुलल सांग मैंने एत दिन पर मिशी से कौन छाड़ आने बुल देखे टाइम जैकेट फेर से पछपटे थी जीरांग मंदिर को जी मेन मंदिर को तो बोटिंग तो सरला बोटिंग सरला बोटिंग ग्राउंड को लगी जीरांगर मनीष्ट्री ये पार्किंग भी सुविधा अच्छी गाड़ी जदि नहीं आस 15 टकर टिकेट काटे आतर को जी तो यही एंट्रांस टी हूँ जीरांग मनीष्ट्री भितर को पशिवार मेन एंट्रांस ये विभिन्न कार्यालय अच्छी आई एंट्रांस रु राइट साइड यही जगह गोटे टॉयलेट अच्छी जोटा जात्री मानक बहुत नीट एंड क्लीन अच्छी आपन आसिले भी सेठी जाई परिवे पद्म संभव महाविहार तो मोनेस्ट्री भितर को आमे इन एंट्री करिवा टिकट काउंटर आपन देखथुबे 5 टका विजिटिंग हावर मॉर्निंग 8 टू 12 गुटरे 5 टका गोटे टिकट को 5 टका एक्साइटमेंट थी डी भाई को ऊपर गोटे प्रैंक करियो ए से टिकट देनी भाई ए बारु 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 ओ बारु बारु
ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବା ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ଜିରାଙ୍ଗ ମଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ଜିରାଙ୍ଗ ମଠ ବୋଲିକି ନାମିତ କରାହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବେ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଜିରାଙ୍ଗ ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଠ କୁହାଯାଏ। 2010 ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଦଲାଇ ଲାମା, ଦଲାଇ ଲାମା ମନୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସାଇଟ୍ ସିଂ। ସଞ୍ଜୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହିରୋ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିୟୁଟା 4 ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ଟିକେ ଖରା ଅଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ତ ବୌଦ୍ଧ ମଙ୍କ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଠି। ପିଲା ଆମର ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ କଲେଣି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ବୌଦ୍ଧ ମଙ୍କ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ପୁରା ସେପଟ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଶାନ୍ତ ପରିସରରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିରି ମିଚିରି ସାଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ବି ଯାହା ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତରୁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ହିଁ ବସିକି ରହିଗଲୁ। ଜିରାଙ୍ଗର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଲାଗିଗଲେ ଲାଗିଗଲେ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ତମେ ଜୋସ୍ରେ ଅଛ? ଜୋସ୍ରେ ଆସ ତ, ଜୋସ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ ଜୋସ୍ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ କୋହଲି ତାର ଯେମିତି ଖେଳ ବେଳେ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସ୍ପିରିଟ୍ ବାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଖସଡ଼ାକୁ ଯିବା, ମଜା ମସ୍ତି କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେମିତି ପୁରା, ତ ଏମାନେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଗାଡ଼ି ଆଜି ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ବୁଲିବେ। ରବିବାର ତେଣୁକରି ଅଧିକା ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଅଲଗା ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ, ଫାଙ୍କା ରହିବ, ଭଲସେ ବୁଲିପାରିବେ, ଫଟୋ ବି ବହୁତ ଭଲ ଉଠିପାରିବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ତ ଫଟୋ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଡି ଡି କମ୍ପାନୀର ନୁହଁ, କାରଣ ନାଁ ହେଉଛି ଡି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡି ମୋହନ। ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛୁ, ତ ମଜାମସ୍ତି ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜୋରସୋର ହବ। କ'ଣ ସେଠି ଖାଇଗଲେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଖସଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ବ୍ଲକ୍ 3। ପ୍ରୟାସ ତ ରହିବ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।